हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास पुराना साड़ी रखा हुआ था। आज हम इसी से डोरमेट बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से डोरमेट बनाएंगे। हमें बस कटिंग करके सिलाई करना है। ज्यादा झंझट वाला पायदान नहीं है। बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगा और बहुत खूबसूरत देखते ही आपको पसंद आएगा कि ये डोरमेट कितना आसान तरीके से और इतना प्यारा बनके तैयार हुआ है। तो बस हमें कटिंग करना है। देखिए, जो साड़ी था मैं उसे डबल फोल्ड करके चौड़ाई में अपने हिसाब से लेके मैं कटिंग करते जा रही हूँ। और इसका मैं 10 पीस निकाल लूंगी। जो साड़ी का जो पीस है वो 10 पीस निकाल लूंगी मैं। अभी जो कटिंग हुआ वो 2 पीस होगा, 20 से भी अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो डोरमेट बनने के बाद बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और कोई झंझट भी नहीं रहेगा। आप घर में आसान तरीके से एकदम प्यारा डोरमेट बना के तैयार कर सकते हैं। 10-15 मिनट में ही आपका डोरमेट बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, आइए हमें पहले कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है उसे हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से हम 10 पीस कटिंग कर लेंगे। जो हमारा फोल्ड हुआ है उसमें 2 भाग है, तो इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। नीचे में भी आप इसका जो देने के लिए, आप चाहे बोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पर्दा का, पेटीकोट का, जो भी आपके पास कपड़ा हो। देखिए, इस तरह से मैं कपड़ा ले ली हूँ, कॉटन का है, और इस तरह से हम जमाते जाएंगे। 10 पीस है फ्रेंड्स, ये मैंने जो कटिंग किया है साड़ी का 10 पीस है। आप चुन्नी से भी बना सकते हैं या ब्लाउज का पीस से भी बना सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि ऐसा कपड़ा से बनाएंगे जिसका रेशा ना निकले। तो इस तरह से हम फोल्ड करते करते रख लेंगे पूरे को। इस तरह से हम रखते बिछाते जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से मैं बिछा के आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे करना क्या है। देखिए, इस तरह से हम पहले बिछा के कंप्लीट कर लिए हैं और हमें अभी पिन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें देखिए, हमारा जो स्केल है 1 इंच का है, हम 1 इंच के अंतराल में इस तरह से हम लाइन लगाते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, और हमारे पास जो भी पिन होगा हम इसे अटैच करते जाएंगे ताकि हमारा जो 10 लेयर है वो खसके ना। और इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। जो हम निशान लगा रहे हैं फ्रेंड, इसी में हमारा सिलाई होगा। देखिए, बस सिलाई करना, कटिंग करना है और निशान लगा के सिलाई करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा और कोई झंझट भी नहीं है, और दिखने में भी बहुत प्यारा है। और ऐसे बनने के बाद आप खुद छू के देखेंगे तो एकदम मुलायम गुदगुदा सा बन के तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं है तो सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बारिश का सीजन है फ्रेंड, हमें पैरदान की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हमें घर में नए नए तरीके का जो पैरदान बनता है, देख लीजिए। मैं बहुत सारे अपने चैनल पर पैरदान डाल के रखी हूँ, आपको अगर पसंद आए तो आप जाके देख लीजिए। देखिए, इस तरह से हम पूरा निशान लगा लिए हैं और मशीन से अब हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। जो हमारा लाइन है इसमें हम सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। बस कुछ करना नहीं है, अभी जो लाइन लगा हुआ है उसमें आसान तरीके से एकदम बस सिलाई चलाना है, कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी कर सकते हो। मैं डबल सिलाई करी थी, तो डबल सिलाई करने से क्या है, हमारा धागा भी मजबूती से पकड़ा रहेगा और बहुत दिन चलेगा। तो आप चाहो तो डबल सिलाई कर सकते हो, वरना एक सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे, पूरे जितने भी लाइन लगाए हैं हम पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, बस हम जिसमें निशान लगाए हैं हम उसमें बस सिलाई चला रहे हैं, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ना हम कपड़ा कटिंग किए हैं, ना कुछ किए हैं। बहुत ही आसान है, आसान से कोई बिगनर भी आसान से बना सकते हैं पैरदान को। तो देखिए, इस तरह से हम काफी सिलाई कर लिए हैं। लास्ट तक मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ दोस्तों। अगर ये पैरदान आपको अच्छा लगा हो बनने के बाद,
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि औरों को भी लाभ हो। इतना प्यारा और इतना आसान सा डोरमेट बनके तैयार हो जाता है कुछ ही मिनटों में, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम पिन जितना लगा था इसे हम निकाल लिए हैं। अभी अब करना कुछ नहीं है, हम नीचे का सबसे नीचे का जो कपड़ा है जो हम बेस दिए हैं उसे छोड़ते हुए हम ऊपर में जितना भी 10 लेयर बना हुआ था इसे हम कटिंग करते जाएंगे। देखिए अच्छे से, जो हमारा कैंची थोड़ा सा साफ होना चाहिए तो इस तरह से हमारा आसानी से कट जाए। तो इस तरह से जो आपको सलसल दिख रहा है कटिंग के बाद बिल्कुल नहीं दिखेगा, एकदम बराबर से आ जाएगा, बहुत ही प्यारा दिखेगा। बाद में जो सल दिख रहा है ये सल खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा। मैं देखिए दोस्तों, बस जो सिलाई के बीचों बीच हमें कैंची लगा के कटिंग करना है, बस इतना ही काम है। हमें सिलाई करना है और कैंची से कटिंग करना है और लगभग हमारा पैरदान बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सरल सा पैरदान है, बहुत ही सुंदर भी है और आसान भी है, तो आप जरूर ट्राई करिए, कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इस तरह से हम पूरा कटिंग कर लेंगे और जब आप उसे बनने के बाद छुएंगे तो आपको लगेगा हाथों में इतना मुलायम लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। पैर में भी जब आप उसके पैर पोंछने की कोशिश करेंगे तो आपका पैर भी इससे बहुत मुलायम लगेगा, बहुत ही गुदगुदा टाइप का ये जो डोरमेट है वो बनके तैयार होने वाला है। क्योंकि जब देखिए ये पूरा ऐसा खुल जाएगा धीरे धीरे से, ये जो रेशा है क्या बोलना चाहिए परत, ये खुल जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा दिखने में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी कितना अच्छा लग रहा है, देखिए इस तरह से छूने में भी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। लेकिन आप ऐसा करिएगा, जब भी आप कपड़ा लीजिए, ऐसा वाला साड़ी या कपड़ा लीजिए जिसका रेशा ना निकलता हो, तो वही ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। और देखिए इस तरह से आप जो भी कलर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैं इसमें हरा कलर का कपड़ा था तो मैं इसे ही बॉर्डर लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम बॉर्डर लगा लेंगे और इसे मोड़ते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा प्यारा सा डोरमेट बनके तैयार हो जाएगा, ज्यादा झंझट भी नहीं है दोस्तों। ऐसा वाला पैरदान तो आप एकदम आसानी से हंसते हंसते बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बॉर्डर लगा के कंप्लीट करके दिखाते हैं कि ये डोरमेट किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो फटाफट से चलिए हम जो बॉर्डर है इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम चारों ओर से बॉर्डर लगा के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा डोरमेट बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा बनके तैयार हो गया है, एकदम मुलायमदार हमारा डोरमेट बनके तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।